खेसारी लाल यादव ने कर दिया है विवाद, और विवाद जो है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। पवन सिंह का गाना आया था स्त्री 2 का, और स्त्री 2 के गाने को लेकर के खेसारी लाल यादव लाइव आ गए और लाइव में काफ़ी सारे बातें बोली गई। उसके बाद खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं वो भी चाह रहे थे कि खेसारी लाल यादव भी बॉलीवुड गाना करे, तो खेसारी लाल यादव भी बॉलीवुड गाना करने जा रहे हैं। जी हाँ, श्रद्धा कपूर जो है, श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ जो है वो पवन सिंह ने काम करा, और गाने का नाम था आई नहीं, और बॉलीवुड की फिल्म में पहली बार पवन सिंह ने गाया था। वैसे बॉलीवुड जो गाना है वो खेसारी लाल यादव भी गा चुके हैं और पवन सिंह भी गा चुके हैं, लेकिन जो बॉलीवुड फिल्म में जो गाना है, एज अ प्लेबैक सिंगर पवन सिंह ने खुद बताया कि वो पहली बार बॉलीवुड में गाना गाए हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव को उस गाने को लेकर के कुछ लोग टारगेट कर रहे थे, तो खेसारी लाल यादव भी लाइव आ गए, और खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे टारगेट मत करो, गाना बहुत व्यूज आए, बहुत हिट हो, लेकिन मुझे टारगेट मत करो, खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर कहा। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात आई कि खेसारी लाल यादव को भी बॉलीवुड फिल्म में काम मिल चुका है, जिस प्रकार से स्त्री 2 में पवन सिंह का गाना आया, स्त्री 3 में खेसारी लाल यादव को साइन कर लिया गया है, जिस प्रकार से आप लोग को स्त्री 2 में आई नहीं जो गाना था जिसमें श्रद्धा कपूर ने डांस किया, जिसमें राजकुमार राव ने डांस किया, जिसमें पवन सिंह का आवाज था, उसी प्रकार से आप लोग को खेसारी लाल यादव का जो आवाज है वो सुनने को मिलेगा स्त्री 3 के टाइटल ट्रैक में। वैसे अभी जो है, अभी खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं और साथ में बॉलीवुड भी गाना गा चुके हैं, और वहीं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों को आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री का स्तंभ कह सकते हैं, क्योंकि दोनों काफी पॉपुलर हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, और लगातार जो है दोनों कारनामा करते रहते हैं, दोनों लगातार गाने करते रहते हैं, दोनों के गाने हिट होते हैं, दोनों की फिल्में काफी ज्यादा हिट होते हैं। लेकिन इस बार जो विवाद हुआ है वो बॉलीवुड फिल्म में गाना गाने को लेकर के, तो बॉलीवुड फिल्म में गाना गाने को लेकर के तो खेसारी लाल यादव भी चर्चा में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुके हैं। स्त्री 3 में तो खेसारी लाल यादव को काम मिला ही है, और साथ में और सारी बॉलीवुड फिल्मों में आपको पवन सिंह का आवाज अब सुनने को मिलेगा और खेसारी लाल यादव दोनों का आवाज सुनने को मिलेगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव को भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट जो है वो मिल चुका है। खेसारी लाल यादव भी अब आपको बॉलीवुड प्रोजेक्ट करते हुए नजर आएंगे, बॉलीवुड फिल्मों में गाते हुए नजर आएंगे। वैसे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों कैसे एक्टर हैं, कैसे कलाकार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं दूसरे को लेकर के।